हे गाइज वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माई चैनल मैं हूँ आपकी दोस्त किरण और आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा डी आई वाई फेशियल लेकर के आई हूँ जो कि आपके चेहरे को जो है इतना ज़्यादा चमका देगा इतना दमकाएगा कि आपको अपने पे यकीन ही नहीं होगा इतना मस्त ये डी है मैंने खुद मेरी फेस पे एक्सपेरिमेंट एक्स, किया है जिसका रिजल्ट इतना बेस्ट है कि मैं क्या बताऊँ आपके स्किन को इंस्टेंटली ग्लो देगा ब्राइट करेगा लाइट करेगा और अभी फेस्टिव सीजन के लिए आप आराम से तैयार हो सकते हो दोस्तों अभी मानसून का सीजन है ऐसे में आपको अपनी स्किन की बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी होती है इसके लिए आपको आज का ये डी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा घर के कुछ कुछ सामानों से ही आप इंस्टेंट ये वाला फेशियल ट्राई कर सकते हैं अभी पार्लर जाने का बिल्कुल भी झंझट छोड़िए क्योंकि बाहर में कोरोना है आप नहीं जा सकते हैं तो पार्लर जैसा निखार आप अपने घर पे खुद से भी पा सकते हैं दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये वाला डी है आप देख सकते हैं फेस में इंस्टेंट ग्लो आता है फेस को लाइट करता है ब्राइट करता है बहुत ही खूबसूरत बना देगा आपको रातों रात आपका स्किन चमकने लगेगा दोस्तों एक बार जरूर ट्राई करिएगा ये वाला डी फेशियल और अपने आप अपने स्किन को जो है रातों रात आप चमकाइए और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मुझे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं और साथ में घंटी का बटन है उसको दबाना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो में अपडेट करूं कोई वीडियो डालूँ तो आपसे वो मिस ना हो सके तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले तो ज्यादा बातें ना करते हुए चले शुरू करते हैं आज का ये डीए वाई फेशियल स्टार्टेड तो दोस्तों आज का डी फेशियल बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम क्लिंजिंग करेंगे यानी अपने फेस को वॉश करेंगे क्लीन करेंगे तो क्लिनजर बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है टमाटर का जूस निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे एक डेढ़ जितना भी टमाटर की जरूरत है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे मैं लगभग डेढ़ टमाटर ले रही हूँ एक और आधा टमाटर और इसको क्या करेंगे बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर जार में थोड़ा मोटा मोटा डाल करके अच्छे से इसको पीस लेंगे और पीसने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इसका बहुत ही बढ़िया से जूस निकालना है जूस निकालने के लिए आपको स्ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी जिससे चाय छन्नी वगैरह होती है उसकी मदद मतलब से आप इसको काफी अच्छे से इसका जो है जूस निकाले ताकि इसके अंदर के जितने भी मोटे मोटे दाने या पल्प होते हैं वो आराम से निकल जाए सिर्फ हमें एक बहुत ही बढ़िया जूस चाहिए टोमैटो जूस जो होता है हमारे फेस को लाइटन और ब्राइटन करने बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है हमारे फेस के डार्क स्पॉट्स एक्ने वगैरह को बहुत ही जल्दी दूर करता है इसलिए हमारे फेस को लाइट करने के लिए हमें टोमेटो टोमेटो जूस की जरूरत पड़ेगी तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमने टोमेटो जूस निकाल लिया हुआ है अब चलते हैं हमारा क्लिनजिंग बनाने के लिए अपने फेस को क्लीन करने के लिए वॉश करने के लिए हम हमें फेस वॉश की जरूरत पड़ेगी फेस क्लेंजर की जरूरत पड़ेगी इसलिए सबसे पहले हमने दो टेबलस्पून के आसपास यहाँ पे बेसन लिया है और उसका लगभग तीन चम्मच के आसपास आपको यहाँ पे जो है टोमेटो जूस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे थोड़ा सा आप कम और ज्यादा कर सकते हैं आपको जो है कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखनी है ताकि आपके फेस में अच्छे से उसको लगा सके और अपने फेस को काफी अच्छे से क्लीन कर सके तो जस्ट लाइक इसको आप फेस वॉश के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं रेगुलरली इसको डेली भी इस्तेमाल करिएगा कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होगा आपके फेस में बहुत ही बढ़िया ग्लो लेकर के आएगा दोस्तों तो पहला स्टेप में हमने बना लिया हमारा क्लिनजर इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने फेस को काफी छह से इस पर लगा लेते हैं आपके फेस को वॉश करेगा साथ के साथ ही क्लीन करेगा आपके फेस में जितने भी डार्क सर्कल्स है एक्ने है पिंपल्स है पिगमेंटेशन है यह सभी चीज़ों को जो है दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों टमाटो का जूस या फिर टमाटर में बहुत ही अच्छा एंटी होता है जो हमारे फेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारे फेस के पोर्स को ओपन करता है जिससे हमारे फेस फेस के पोर्स ओपन होने से हमारे फेस में अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचता है और आपके फेस को जो है लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है तो इसको लगा के आपको यहाँ पर लगभग दो मिनट तक अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में आराम से मसाज देना है और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप चाहें तो इसको टॉवल से या फिर कॉटन कपड़े से अच्छे से गीला करके इसको वाइप कर सकते हैं और या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट ठंडे पानी से नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर सकते हैं तो हमने इसको बहुत ही अच्छे से नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया हुआ है वॉश करने के बाद काफ़ी अच्छे से टॉवल से इसको पोछ ले और पहले ही बार की यूज के बाद आपका जो रिजल्ट है एकदम चौंकाने वाला होगा बहुत ही ज्यादा आपका फेस सॉफ्ट और मुलायम और साथ के साथ ही खूबसूरत दिखेगा दूसरे स्टेप में हम स्क्रबिंग रेडी करेंगे अपने फेस के लिए स्क्रबर रेडी करेंगे इसके लिए यहाँ पे एक चम्मच के आसपास हमने लिया है कॉफी और दो चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे हनी तो इन दोनों चीजें जो है दोस्तों थोड़ा सा खुरदरा होता है दरदरा होता है जिससे हमारे फेस में बहुत ही बढ़िया स्क्रबर का काम करता है और आधा चम्मच यहाँ पे आपको नींबू की जरूरत पड़ेगी अगर आपका फेस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तो इसकी जगह आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं ये सभी चीज़ें हमारे फेस के लिए स्क्रबर का काम करती है हमारे फेस के ब्लैक हेड्स और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी कालापन होता है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो इसको अपने फेस पे अच्छे से लगा करके और सर्कुलर मोशन में आपको स्क्रब करना है जिससे डेड सेल्स वगैरह निकल लेगी आपके ब्लैक हेड्स वगैरह को निकालने में हेल्प करेगा तो ऑलरेडी जो हमारा कॉफ़ी होता है कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा खुर्दरा टाइप का होता है दरदरा होता है जिससे बहुत ही बढ़िया स्क्रबर होता है तो जेंटली आपको यहाँ पर मसाज देना है जेंटली आपको स्क्रब करना है बहुत ही ज़्यादा तेज

मसाज देना है सर्कुलर मोशन में और जहाँ पे भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स है जैसे ब्लैक हेड्स या डार्क स्पॉट्स है वहां पे आप इसको थोड़ा सा ज्यादा करके लेकर के वहां पे मसाज दे तो बहुत ही अच्छे से आपको लगभग दो तीन मिनट के बाद रखना है आपके फेस पे वॉश करना है लगाना है और बहुत ही अच्छे से बाद उसके बाद इसको आपको आराम से वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से या फिर ठंडे पानी से आप यहाँ पे टॉवल को भिना करके भी काफ़ी अच्छे से पोस सकते हैं इतना में ही आपका फेस जो है लाइट हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा आपके स्किन से टैन निकल आएगा दोस्तों और आपका स्किन इतना इतना खूबसूरत और ग्लो करेगा तो मैं क्या तो आपके फेस, फेस, तो फेस में एक अलग सी चमक दिखेगी आपका फेस बहुत ही ज्यादा लाइट और बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखेगा दोस्तों फेस में एक अलग सा सॉफ्टनेस आएगा तो सेकंड स्टेप करने के बाद इतना दिखेगा थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है अपने फेस में थोड़ा सा दोस्तों आपके फेस में स्टीमिंग देनी है स्टीम करना है आपके फेस से स्टीम करने से आपके फेस के पोर्स वगैरह खुलते हैं आपके पोर्स में जो है फेस में ऑक्सीजन जाता है और साथ के साथ ही दोस्तों आपके फेस के जो एक्ने होते हैं पिंपल्स होते हैं उसको भी दूर करने में हेल्प करता है यहाँ पे हमने दो तीन ड्रॉप जो है एसेंशियल ऑयल डाला है तो बहुत ही बढ़िया हमारा ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल है इसको हम यूज़ करते हैं ये एक्चुअली ऑप्शनल है और यहाँ पे आपको जो क्या करना है अपने फेस को कवर कर लेना है टॉवल से इससे क्या होगा जितने भी इसकी स्टीम होती है आपके फेस के अंदर जाएगी और आपके फेस में एक अलग सी ग्लो आएगी दोस्तों तो जरूर से जरूर ये वाला स्टेप कीजिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही असरकारक है रेगुलर आप रोजाना अपने फेस में इस तरीके से स्टीम ले सकते हैं आपके फेस के पोर्स वगैरह ओपन होंगे और आपके फेस वगैरह है, है, तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है चमक रहा है चौथे स्टेप के लिए चलते हैं चौथे हम यहाँ पे फेस पैक बनाएंगे फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पे आपको दो चम्मच बेसन की जरूरत पड़ेगी दो से अढ़ाई चम्मच आप ले सकते हैं और एक चम्मच यहाँ पे मैंने लिया है सैंडल वुड पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर वन फोर टेबल स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर टर्मेरिक पाउडर लिया है और एक चम्मच यहाँ पे आपको जो है हनी की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पे हमने जो टोमेटो जूस निकाल के रखा है स्टार्टिंग में वो डाल दे लगभग चार पाँच चम्मच और इसको डाल करके बहुत ही बढ़िया इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे बहुत ही अच्छे से मिक्स करें इसमें एक भी दाना नहीं होना चाहिए बिल्कुल जो पैक होता है स्मूथ होना चाहिए और आपके फेस में इसका जो असर होगा ना दोस्तों बिल्कुल अलग सा चमक चमकाने वाला होगा तो सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया है बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो आज का ये पैक रेडी हो चुका है तो इसको अब हम अपने फेस में लगा लेते हैं हमारे फेस जितने भी uh, प्रॉब्लम्स होती है फेस पैक लगाने से आपको बहुत ही बढ़िया हो मतलब असर मिलेगा यहाँ पे हमने चंदन पाउडर इस्तेमाल किया है दोस्तों चंदन पाउडर का एक अलग ही गुण होता है चंदन पाउडर से आपके फेस में ठंडक मिलती है आपके फेस में जितनी भी गर्मी होती है उसको निकालता है उसकी वजह से जितने पिम्पल्स होने की संभावनाएं होती है पिगमेंटेशन होता है उन सभी चीज़ों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारा चंदन पाउडर तो ये इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ आप चाहें तो अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका भी सेम इफ़ेक्ट होगा आपके फेस इसको लेकर के तो काफी अच्छे से इसको लगा के 10 से 15 मिनट तक इसको आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है सुखा लेना है तो 10 से 15 मिनट के बाद काफी अच्छे से इसको नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर ले और वॉश करने के बाद ही आपके फेस में एक अलग सी बढ़िया सी चमक आएगी दोस्तों रिजल्ट आपको एक बार के यूज के बाद ही इतना ज्यादा असरकारक होगा कि आप खुद ही चौंक जाएंगे तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये डी आई वाई फेशियल बहुत ही इफेक्टिव है बहुत ही असरकारक है मैंने खुद ही ट्राई किया है इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी लेकर के आई हूँ आप जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही इफेक्टिव ट्राई डी आई वाई फेशियल है पार्लर जाने का झंझट छोड़िए और घर पे ही अपनी स्किन को अपने चेहरे को रातों रात, -रात चमकाइए तो आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों एक लाइक तो बिल्कुल बनता है लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले ताकि कोई वीडियो डालो तो आपसे मिस ना हो सके उसका अपडेट तो आप सबसे फिर से मिलते हो एक नए डी आई फेशियल में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मेकअप ट्यूटोरियल के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग लव यू ऑल